सितारा का मसला नहीं है, उसको तो मैं वापस ले ही आता। बात यह है कि सलार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? डैड, वो सलार को छोड़कर गई है। आपको क्या लगता है आपके कहने पे वो वापस आ जाएगी? आप दोनों बहन भाई मुझे चालाक समझते हो ना, और सोचते हो कि मैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। हमारा हरगिज ये मतलब नहीं होता। होता भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं अपना ये स्किल अपने बेटे की खुशी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, एंड आई विल डू दैट। ताहिर, आप सितारा से बात करेंगे? जाहिर है भाई, फैमिली के साथ साथ फैमिली बिजनेस को भी एक एनर्जेटिक प्लेयर की जरूरत है जो लॉन्ग इनिंग्स खेल सके। आपके बेटे में तो शायद ये बिजनेस संभालने का, खैर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। हाँ, आप उसे बिजनेस के लिए मनाने जाएंगे, और मैं समझ रही थी कि नहीं जाऊंगा तो मैं अपने बेटे के लिए ही, लेकिन सितारा में बिजनेस स्किल्स हैं, सो व्हाई नॉट। उसे ज्वाइन भी करेगी और रन भी करेगी। ये तो सलार भाई। हाँ, तुम चूड़ियाँ पसंद करो ना। अच्छा सुनो, तुम लोग यहीं पे रहना, मैं आती हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ? वो मेकअप लेना था कुछ, मैं लेकर आती हूँ, यहीं रहना। और एक बार फिर हम आमने सामने आ गए। Anyway, कैसे हो? Still. Yes, actually, I am leaving. अमेरिका शिफ्ट हो रही हूँ। Good. तुम्हारे जाने का सुनकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। सलार, मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी अपोलोजी की जरूरत नहीं है। I'm not gonna fall for your tricks this time, Saiba. Honestly, सलार, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, गलत किया। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया ना, उसके लिए शायद, शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूँ। लेकिन जो तुमने सितारे के साथ किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। और हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझे कहीं भी देखो ना, तो ना मुझे पहचानना और ना मुझे रोकना।
कह रहे? सितारा, ऐसा क्या है तुम्हें? तुम्हारे सिवा उसे कुछ दिखता ही नहीं है। कैसी है किरण? ठीक है, सो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दाई, आज तो हम थक ही गए मॉल में। ताई, एक काम करें, बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दें प्लीज। हाँ, मैं लगाती हूँ। कैसी हो सितारा? ठीक हूँ। खुश हो अपने घर में? हमारे अब्बा ने नहीं बताया? तुम्हारे अब्बा ने? सितारा की वजह से आपके ख्वाब में आके लड़ते तो थे आपके साथ, और सब कुछ आपको ख्वाब में ही बता देते थे। मुझे लगा ये भी उन्होंने बता दिया होगा आपको। हाँ, तो झूठ थोड़ी कहती है।